हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और इससे पहले हमने बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ा हुआ। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा पूरा वीडियो का, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर फॉरेनहाइट तापमापी का पाठ्यक्रम सेल्सियस तापमापी के पाठ्यक्रम का दुगुना होगा। ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 160 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विसरित हो जाती है, ऑप्शन बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाती है, ऑप्शन सी जल वाष्पित हो जाता है एंड ऑप्शन डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अचानक ही गिलास का विस्तारित हो जाता है, ठीक है, इस वजह से वो टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए लगातार बढ़ता है, ऑप्शन बी लगातार घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, 0 डिग्री टू 4 डिग्री तक ये पहले घटेगा, फिर 4 डिग्री टू 10 डिग्री तक ये बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? ऑप्शन ए गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, ऑप्शन बी गर्मी के कारण रबर बहुत ही कमजोर हो जाता है, ऑप्शन सी गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई बढ़ जाता है परंतु इसकी चौड़ाई, ऑप्शन ए अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है एंड ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी नहीं बदलेगा एंड ऑप्शन डी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसके कारण क्या है? ऑप्शन ए पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, ऑप्शन बी पाइप में पानी जमने से सिकुड़ जाता है, ऑप्शन सी पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है एंड ऑप्शन डी पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाइप में पानी जमने पर वो फैल जाता है, इस वजह से वो फट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, ऑप्शन बी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, ऑप्शन सी आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इस वजह से वह गैप छोड़ा जाता है ताकि वो फैलने पर भी वो टच न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब झील की सतह जमने वाली होती है तो झील के नीचे वो लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि उसकी जो तापमान होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, तो वीडियो यहीं तक है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आगे आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।